हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर्स के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, आपका एक्स है, आपका हस्बैंड वाइफ जिनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपके इस कनेक्शन की एंडिंग हो गई है आपके पार्टनर से, आपके लवर से, आपके पर्सन से, और वो कैसा फील कर रहे हैं। आज उनके लिए हम रीडिंग को देखेंगे, लाइक उनकी करंट फीलिंग्स क्या इस टाइम आप लोगों के लिए हैं, कैसा फील कर रहे हैं करंटली आपके लिए, आपके पार्टनर्स, आपके लवर, आपके पर्सन, आपको नहीं जिनका पता, जिनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए रीडिंग है। ओके, सो आपने अपने पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए, और डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो अपनी रीडिंग पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, आराम से आप चूज़ करिए। ठीक है, ये मेन कार्ड मैंने चूज़ कर लिए आपके ऑलरेडी कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या होगी। ये मेन थीम कार्ड में पता चलेगा कि आपके जो पार्टनर्स हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या होने वाली हैं, वो इसके कार्ड के बैक साइड पे मैं आपको आप ही के ग्रुप में बताऊंगी। ठीक है, सो अपने पार्टनर का नेम जो है वो आप इजीली जो भी पाइल में है सेलेक्ट कर लें। दिस वन इज़ ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ये नेम के लेटर्स हैं। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये ग्रुप वन है, ये भी ग्रुप टू, एंड दिस वन इज़ ग्रुप थ्री। सो ईज़िली अपने पार्टनर्स का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करें, उसी ग्रुप में आपको आपकी रीडिंग मिलेगी। ओके, सो रीडिंग आइस कलेक्टिव होगी, होगी पिका ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, लेकिन स्टिल जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, बिकॉज जनरल की तरह ही देखनी है। इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग, बट इट्स वेरी क्लोज टू योर पर्सनल रीडिंग, बट फिर भी कुछ नहीं रिलेट करता तो सिंपली इग्नोर। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। इसी तरह आप लोग एक्टिव रहें, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे रीडिंग्स आती रहेंगी। मैंने लास्ट बिफोर वन डे और टू डे मैंने इसी तरह से यू नो नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ करवाने के लिए आप लोगों को ग्रुप सिलेक्शन में ही लाइक करंट फीलिंग्स की थी, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको यू नो अप्रिशिएट किया, और आप लोग ऑब्वियसली मुझे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप अपने पार्टनर का नेम जो लेटर आप चूज़ करना है उसी पे ही रीडिंग करें, तो मैं उसी को ही लेकर आई हूँ। मैंने न्यू ग्रुप बनाए, उनको थ्री में डिवाइड किया, पहले मैंने टू ग्रुप्स में किया था, मैंने थ्री में डिवाइड किया ताकि आप ज़्यादा क्लोज आपके रिलेट करें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, इंट्रो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने पर्सन के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन करें, उनके बारे में सोचें, अपना ग्रुप सेलेक्ट करके मेडिटेट करें, रिलैक्स हो जाएं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, आई विल मीट यू ऑन योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर वन। सो गाइस, जिन लोगों ने ग्रुप वन चूज़ किया है, अगर आपके पार्टनर्स के नेम के फर्स्ट लेटर ग्रुप वन में है, ए ई जी जे एम क्यू एस यू, तो देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले मैं उनकी करंट एनर्जी चेक करूँगी। चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स हैं, और मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। वी हैव अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरिस। इस पर्सन का स्टार साइन एरिस हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन फायर साइन है, एंड डेफिनेटली इनकी करंट एनर्जीज है गाइस। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू, ऐसा लग रहा है इनकी करंट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर, और ये आगे आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं कि आपकी तरफ एक्शन लें ताकि आपका ये जो कनेक्शन है इस टाइम जो नो कॉन्टैक्ट जोन में चल रहा है वो फाइनली कोई ना कोई मूव करे। आपका ये कनेक्शन आगे अप्रोच करने के लिए ये पर्सन आने वाला है, और मुझे लग रहा है एक हाई लेवल पे जाने वाला है आपका कनेक्शन, लाइक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड डेफिनेटली आपका कनेक्शन फाइनली मूव करेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है गाइस, और ये आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड आपके साथ आगे मीटिंग करने के लिए। तो मुझे लग रहा है इनकी एनर्जीज जो हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेने की है, अप्रोच करने लगे हैं ये पर्सन आपको, सो आप मैनिफेस्ट करते रहें। सो लेट्स ही देखते हैं ग्रुप वन, आपके पार्टनर्स नो कॉन्टैक्ट जोन, आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली फील क्या कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव नफ्स, इस पर्सन का स्टार साइन कैप्रिकॉन हो सकता है, नंबर 15, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, देन वी हैव मुर्शिदा नंबर 2, बैक टू बैक गाइज आप लोगों के लिए मेजर अरकाना आ रहे हैं। इट्स अ पाइसिस एनर्जी, इट्स अ हाई प्रिस्टिस, आई थिंक दिस पर्सन इज़ कंट्रोलिंग देयर इमोशन, ये अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हैं, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी सी हो रही है आपसे कॉन्टैक्ट करने की, एंड ये बहुत आप लोगों को लेकर गाइज ऑब्सेसिव हो रहे हैं, दैट्स वाई इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रही है, फायरी
क्लाइमेक्स अप्रोच, आगे कनेक्शन बढ़ाने के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यस, इनको आपकी एडिक्शन सी हो रही है, आपका हमोश रहना इस पर्सन को बहुत तकलीफ दे रहा है। वी हैव फाइव ऑफ कप्स। यस, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इस पर्सन की एज 25-26 हो सकती है। यस, 2-5-6 डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है आपका या फिर इनका। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गाइस सैड है। दिस पर्सन इज़ लिटरली वेरी अपसेट, आपको छोड़ने का, आपके साथ सब चीज़ें ख़त्म करने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। वी हैव मेज़ान, इट्स अ लिब्रा एनर्जी, इट्स अ जस्टिस, नंबर 20, नंबर 20 एज, 20 डेट ऑफ बर्थ, मेज़ान, इट्स अ 20। मिज़ान यहाँ पे एनर्जी है, बट सा वैसे राइडर वेट में देखा जाए तो ये कार्ड हमारे पास जजमेंट का होता है, बट इट्स अ मिज़ान, यहाँ पे ये कार्ड हमें जो जस्टिस की एनर्जी दे रहा है। डेफिनेटली इट्स अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, तो ये जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ इस कनेक्शन की न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों की तरफ से। इनको हो सकता है इनका कर्मा मिल रहा है, इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया था, आपको रिजेक्ट किया था, तो अभी हो सकता है इस पर्सन को भी किसी ने रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत गिल्ट में है आपको रिजेक्शन देके। यस, ये लिटरली ये पर्सन आपको ही सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ गए हैं या फिर इनकी लाइफ में आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये पर्सन स्टिल अभी भी आप लोगों के ऊपर होल्ड ऑन किए हुए है। ये अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है इसको किसी ने आपके अगेंस्ट किया हो, या फिर कुछ लोगों की तरफ से थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ लोग जेलस होते थे आपके इस कनेक्शन से, तो टेम्परेरी तो उन्होंने आप दोनों का कॉन्टैक्ट ख़त्म करवा दिया, या टेम्परेरी तो आपका ब्रेकअप हो गया, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अभी भी ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे। विदा मेज़ान, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं हर चीज़ को। यस, ये चाहते हैं आपका दोबारा से कनेक्शन बने, आपकी हारमोनी बने, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। यहाँ पे 1-2-3 मेजर अरकान है आप लोगों के लिए। 22, ऑब्वियसली इट्स अ बैलेंस नंबर, 22 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन का, और आपका लाइफ पाथ नंबर 22 भी हो सकता है, लाइक 2 आपका 2 इनका, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी बहुत ज़्यादा गाइज इनको लेकर इमोशनल हो रहे हो, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग इमोशनल, लॉट इमोशंस, इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, एंड ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब तो काफ़ी टाइम हो गया कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपकी यादें इस पर्सन को इतना ज़्यादा गाइस घेरे हुए हैं कि ये पर्सन उस चीज़ से जो है ना निकलना चाहता है यादों से, ताकि आपके साथ एक न्यू शुरुआत करे विद द बटरफ्लाइज। अगर आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ डेफिनेटली बहुत जल्दी कनेक्शन जो है वो रिबर्थ होने वाली है उस कनेक्शन की। वी हैव द मुर्शिदा, इस पर्सन को लगता है आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्शन है, जिसको ये पर्सन कट ऑफ नहीं कर पा रहे। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन बाय द वे विद द मेज़ान एंड मुर्शिदा। 20 डेट ऑफ बर्थ, 20 एज भी हो सकती है कुछ लोगों की, 22 भी एज हो सकती है, 26 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 26 या, बट ये बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि आप काफ़ी टाइम से खामोश हो। इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा लाइक एक हीलर हो, और हो भी सकता है आप लोग हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा यू नो एक बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना लाइक डिस्टर्ब हो रहा है। दैट्स वही आपको चाहते हैं, इसीलिए इनकी करंट एनर्जी में दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर जो है वो एक फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जो है ना वो मचलती जा रही है, और ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे विद द नफ्स, या आगे फर्दर कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, और इसीलिए आपके साथ सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में इन्होंने जो भी आपके साथ किया उस वजह से इनको काफ़ी रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपको रिजेक्शन देने का, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को, आप देख सकते हो। दिस पर्सन इज़ लिटरली वेरी डिस्टर्ब एंड वेरी अपसेट, तो इस अपसेट वाली एनर्जी से ये पर्सन निकलना चाहते हैं ताकि आपके साथ कनेक्शन हो, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप लोग इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, और ये चीज़ें जो है ना इस पर्सन को काफ़ी तकलीफ दे रही हैं कि आप बोल क्यों नहीं रहे, आप इतना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इनको। इसीलिए फाइनली दिस पर्सन डिसाइड कि आपकी तरफ अब एक्शन कोई ना कोई लिया जाए ताकि इनकी लाइफ चेंज हो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप एक दूसरे को ड्रीम्स में भी देख रहे हो, या हो सकता है आप भी ड्रीम्स में देख रहे हो इनको, बट आप टेलीपैथी कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से, हो सकता है आपको इनकी एनर्जीज फील हो जाती हो। वी हैव फीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है इनके कोई ना कोई फैमिलीज़ के साथ इशूज़ हैं, या फिर इनके पेरेंट्स जो हैं वो शायद आपको एक नहीं होने देना चाह रहे थे, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है।
हो सकता है इनकी लव लाइफ आपके साथ कंटिन्यू इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि आपके या इनके पेरेंट्स हो सकता है बीच में किसी तरह का कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहे थे। तो पहले इस पर्सन को पता है कि फैमिली इश्यूज हील करने पड़ेंगे, देन ही कोई ना कोई आगे कनेक्शन आपका मूव करेगा। और मुझे लग रहा है हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो अपने फैमिली इश्यूज जो हैं वो फाइनली हील कर चुके हैं, इसीलिए अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहेगा। इस दिस पर्सन इज़ वेरी ऑब्सेसिव एंड काफ़ी अडिक्शन हो रही है। वी हैव अट्रैक्शन, इनको आप बहुत ज़्यादा गाइज अट्रैक्ट कर रहे हो, ये आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अभी भी स्टिल सोलो हो विद अ मुर्शिदा, यू गाइज आर टोटली सिंगल वर्जन, और ये आप अपनी ज़िंदगी में जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप में विस्टम आ चुका है, काफ़ी नॉलेज आ गई है, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आ चुके हैं, इसी वजह से ये चीज़ें जो इनको है ना अट्रैक्ट करवा रही हैं आपकी तरफ, और ये चीज़ें इनको काफ़ी तकलीफ दे रही हैं। वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में जो हो फोकस्ड हो चुके हो और अब आप इनको लेकर बिल्कुल भी कोई इमोशनल नहीं हो। वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये पर्सन आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी इनकी हेल्प कर सकते हैं इनको आपसे कॉन्टैक्ट करवाने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आप ऑलरेडी कोई ना कोई फ्रेंड जोन में से हो, या फिर आप म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हो इनके। देन वी हैव डिसेप्शन, इन्होंने हो सकता है आपको पास में धोखा दिया, बिकॉज मुझे नफ्स से दिख रहा है, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया आपको छोड़ के, या तो मिजान एंड नफ्स या फिर डिसेप्शन, इनका कॉम्बिनेशन मुझे यही बता रहा है। इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ या तो कमिटमेंट बना ली थी, या फिर हो सकता है किसी और के साथ कोई इंगेजमेंट वगैरह कर ली हो, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से पॉसिबिलिटी कि शादी कर ली है। आपको चीट डेफिनेटली इन्होंने किया, ये आपके लिए चीटिंग थी, इसीलिए आप लोग इस पर्सन से टोटली यू नो बैक ऑफ करके अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। या तो फाइनली मुझे लग रहा है ये पर्सन ने जो आपको धोखा दिया था, अब ये फाइनली अब आपको शायद आके बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपको क्यों धोखा दिया या क्यों ये सब कुछ किया, क्योंकि हो सकता है इनको भी किसी ने धोखा दिया है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इस पर्सन को अब वहाँ से चीटिंग मिली है। ठीक है, मोस्टली मुझे मैरिज की एनर्जी नहीं आ रही, बट हाँ एक रिलेशनशिप में ये पर्सन हो सकता है किसी और के साथ चले गया, या फिर किसी और के साथ इस पर्सन ने कमिटमेंट बना ली, या फिर किसी के साथ कोई सिचुएशनशिप में चले गए। तो अब एनर्जी दिख रही है ये पर्सन को फाइनली वहाँ से धोखा मिला, जिसकी वजह से अब इनको अपने कर्मा जब डील करने पड़ रहे हैं तो इनको आपकी याद आ रही है कि इन्होंने आपके साथ भी यही किया था सेम जो इनको मिल रहा है अब। तो कर्मा डील करके ये पर्सन इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम ये पर्सन टोटली नेगेटिव एनर्जी में है, इनका एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक है, और इस टॉक्सिसिटी से ये निकल के रिलीज़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ये एक दरवाज़ा ढूंढ रहा है कि जहाँ से इस पर्सन की लाइफ में रोशनी आ सके, लाइट आ सके, पॉजिटिविटी आ सके, वो इनको आप में दिखती है, क्योंकि इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी पीसफुल पर्सन, आप ही इनकी ज़िंदगी में पीस लेकर आ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है वीवर्स के लिए। गाइडेंस ग्रुप वन वीवर्स के लिए गाइडेंस, वी हैव अबंडेंस प्लानिंग। आप लोगों को गाइस प्लान करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपके लाइफ के जो भी कोई गोल्स हैं या नहीं हैं, आपके गोल्स नहीं हैं तो उनको सेट करिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने यू नो नोटबुक में उसको रिटर्न करिए। अगर आपके ऑलरेडी प्लान्स कोई हैं तो भी आपको रिटर्न करने की ज़रूरत है। अगर नहीं आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको प्लान्स बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि आप प्लानिंग करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या क्या करना है। और कुछ लोग यहाँ पे अफर्मेशंस भी पॉजिटिव आप कहीं ना कहीं पे यू नो अपने नोटबुक में लिख सकते हो, जो भी आप चाहते हो, चाहे इस पर्सन से मीटिंग चाहते हो इनका नाम लिख के उसके साथ आप कोई ना कोई ऐसी अफर्मेशन लिख सकते हो जो आप पूरी करना चाहते हो। वी हैव ब्यूटी रिचुअल, आप लोगों को अपनी सेल्फ केयर करने की गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, नेल पेंट्स लगाइए, कोई ना कोई अपनी बॉडी के ऊपर आप कुछ भी यू नो ब्यूटी कर सकते हो, मैनीक्योर पेडीक्योर कर लिया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। कुछ लोगों का टैटू पसंद करते हो तो आप वो भी बनवा सकते हो, बट अपनी ब्यूटी पे गाइस फोकस करिए, क्योंकि आप जितना अपनी ब्यूटी को फोकस करोगे, जितना ज़्यादा अपनी प्लानिंग के थ्रू चलोगे, उतना ज़्यादा ही गाइस के पर्सन के चांसेस होंगे आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने के ज़्यादा। नंबर 5 एंड 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, एंड बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 20 ड्रीम जनरल। इट्स 20 एंड इट्स ऑल्सो 20, ट्रिपल टू नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 मुझे लग रहा है आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर भी सेम हो सकता है, और कुछ लोगों की इवन के मुझे एज भी सेम दिख रही है। आपको ड्रीम करने की ज़रूरत है गाइस, आप जो चाहते हो ना आप उसको लेकर ड्रीमिंग करो। जब आप सोने के लिए जाते हो ना अपने बेड पे, तो उससे पहले आपको ड्रीम करने की ज़रूरत है अपने माइंड में, जो भी आप चाहते हो, चाहे इनसे रीयूनियन चाहते हो, इनसे मिलना चाहते हो, इनसे शादी चाहते हो, इंगेजमेंट चाहते हो, जो भी चाहते हो,
आपको ड्रीम जर्नल करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके या सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप वन, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, सो गाइज अगर आपने ग्रुप टू चूज़ किया है, आपके पार्टनर्स के नेम के फर्स्ट लेटर ग्रुप टू में है, BDHKNPVXZ। तो देखते हैं आपके पार्टनर्स की, सबसे पहले मैं करंट एनर्जीज चेक करूँगी एंड देन आई विल मूव फर्दर कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी मेंशन है और इंस्टा भी, वहाँ पे आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे इंस्टा पे फॉलो भी ज़रूर करिए। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप टू आपके पार्टनर्स जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। मुझे लग रहा गाइस ये पर्सन डेफिनेटली, इनकी एनर्जी ऐसी है, इनको फील हो रहा है जैसे कि अब शायद सरेंडर कर देना चाहिए, या फिर ऑलरेडी मुझे लगता है ये पर्सन यूनिवर्स पे छोड़ चुका है सब कुछ, के डिवाइन में जब होगा, डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपसे मीटिंग हो जाएगी, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो किसी ना किसी तरह से आपका कनेक्शन भी बन जाएगा, आपका रिलेशनशिप भी बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन सरेंडर कर चुका है, एफर्ट शायद ये नहीं पुट कर रहे किसी भी तरह की, इनकी करंट एनर्जी है। ये पर्सन को शायद डिवाइन पे ज़्यादा ट्रस्ट है, दैट्स वाई ये इनको है कि किस्मत में होगा तो भाई मिल जाएगा, नहीं तो जो भी होगा मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसी कोई मुझे इस पर्सन की जो है ना वो माइंडसेट दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन सरेंडर कर चुका है मुझे लग रहा है। यस देखते हैं फीलिंग्स। वी हैव कुवत नंबर एट, इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है, नंबर एट इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव मलिका ऑफ कॉइन्स, इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव शाहबानो नंबर थ्री, ब्यूटीफुल, इट्स अ टू मेजर अरकाना। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, वी हैव सबर नंबर 14, ब्यूटीफुल गाइस, इट्स अ 15, ओके इट्स अ 14 एंड इट्स अ सेगिटेरियस एनर्जी, बेसिकली इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। यस इस टाइम ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा सबर किया हुआ है और मुझे लग रहा है इनको फील हो रहा है जैसे कि आप में भी बहुत ज़्यादा पेशेंस आ चुका है, और मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके सबर का इम्तिहान लिया है, और अभी इस पर्सन के सबर का इम्तिहान चल रहा है। विद अ कुवर्ट एंड सबर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को सबर करके बैठा हुआ है कि किसी तरह से आप लोगों की जब मीटिंग होनी होगी, विद यू नो इसकी एनर्जी जो इनकी प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है, सरेंडर टू द डिवाइन, ये पर्सन को लग रहा है कि सबर का फल जो होता है वो मीठा होता है। तो ये पर्सन सबर करेगा तो डेफिनेटली डिवाइन इस पर्सन की फेवर में कोई ना कोई एट द लास्ट फेवर में रिजल्ट देगी। अदरवाइज विद द सबर एंड कुवत, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ महसूस हो रहा है, ठीक है। ये इनको लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप एक हीलर हो सकते हो, एंड दिस पर्सन फील्स कि आप लोग बहुत ही इतने स्ट्रॉन्ग हो आप, कि शायद आपसे ही इस पर्सन ने मे बी सब्र करना सीखा है। आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकता है। यस इनको लगता है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि हो सक, मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे कि इनकी ज़िंदगी में आप ही इतने पावरफुल पर्सन हो जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ सकते हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ही नेगेटिविटी में या किसी परेशानी में खुश रहना सीखा है। आप इस पर्सन की स्ट्रेंथ हो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप या तो एनर्जी भेज रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं से एम्पावरमेंट भेज रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को लेकर मैनिफेस्ट करते हो कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, या बट ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, बट किस्मत के फैसले का वेट कर रहे हैं कि डिवाइन क्या चाहती है। इस पर्सन इसीलिए सरेंडर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ये पर्सन सेगिटेरियस एनर्जी है, वी हैव लियो नंबर 14, 8, 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड वी हैव शाहबानो एंड वी हैव मलिका ऑफ कॉइन्स, इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। ये आपके साथ आगे सिचुएशन में जाना चाहते हैं गाइस। दिस पर्सन रियली वांना मेक यू देयर हस्बैंड और वाइफ, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी देखते हैं कि यू गाइस आर अ वेरी नर्चरिंग पर्सन, आप इस पर्सन को स्ट्रेंथ देते थे, आप इस पर्सन को पावरफुल बनाते थे, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो इनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकते हो। आपके साथ ही ये पर्सन आगे लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ में प्लानिंग करना चाहते हैं, एंड मुझे लग रहा है विद शाह बनो दिस पर्सन रियली वांना मेक यू अ प्रेगनेंट। ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपके साथ बने, इस पर्सन की लाइफ की ग्रोथ आपके साथ हो। यस नंबर थ्री है, इट्स अ लिब्रा एंड टॉरस एंड वी हैव टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन की एज मुझे 38,
35 दिख रही है, 30 प्लस मुझे एनर्जी दिख रही है, हो सकता है कुछ लोग 20 प्लस भी हो सकते हैं, बट एनर्जी यहाँ पे 30 प्लस है। दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच एंड ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन आपको पेडिस्टल पे पुट करना चाहता है, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पेशेंस वाली हैं। पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने सिर्फ किस्मत की वजह से, कि किस्मत के फैसले का इस पर्सन को इंतज़ार है, कि किस्मत उसको पता है कि अगर मैं वेट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ या सब्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी फेवर में ही आगे रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज इनको फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को आपने यू नो मॉडर्नाइज हुए हो, आप बहुत ज़्यादा आपने काफ़ी ज़्यादा आप में ग्रोथ आई है। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ब्यूटिशियन हो सकते हो, ब्यूटी फील्ड से हो सकते हो, आप काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस की वर्ल्ड से हो सकते हो, या फिर आपको काफ़ी ग्लैमर पसंद है, लेकिन इनको लगता है आपके में काफ़ी ना ग्रोथ आई है, आप काफ़ी अबंडेंट हो सकते हो, काफ़ी हो सकता है मुझे विद द मलिका ऑफ कॉइंस में भी यू गाइस आर वेरी सोशल राइट नाउ। पहले आप हो सकता है सोशल नहीं थे, अब शायद आप लोगों ने सोशलाइज होना स्टार्ट किया है, आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हो, क्योंकि हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो या फिर आप काफ़ी फाइनेंशली स्टेबल हो रहे हो, दैट्स वाई ये आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं आप डॉक्टर यहाँ तो बन चुके हो, आपकी हो सकता है ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, नाउ यू गाइज आर ऑफिशियली आर डॉक्टर, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। बट डेफिनेटली ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी जो है ना आपके साथ आगे फैमिली बनेगी, आगे एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि आपके साथ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन महसूस होता है, और इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में आप ही ऐसे पर्सन हो जो इसकी लाइफ को कंप्लीट कर सकते हो। इन्होंने आपसे बहुत कुछ मुझे लग रहा है सीखा है, शायद ये पर्सन इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं था और आपसे ही इन्होंने स्ट्रॉन्ग रहना सीखा है, क्योंकि यू गाइज़ आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, दैट्स वाई यू गाइज़ आर अ वेरी पावरफुल पर्सन। बेसिकली एक इंसान में सब्र क्या है, सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, तो आपने शायद सब्र किया है और इन्होंने आपसे ही ये सब चीज़ें सीखी हैं, और डेफिनेटली दिस पर्सन नोज वेरी वेल कि आप भी वेट कर रहे हो कि कब किस्मत आपको मिलवाएगी। या सो लेट्स सी, बट ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, इनको लगता है कि यू गाइज आर लाइक अ एंजल, आप बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो इनको, ग्रुप टू इज़ वेरी पॉजिटिव बाय द वे। यस लेट्स सी मोर, वी हैव डिसेप्शन, हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, तभी शायद इनको लगता है कि आपने इस पर्सन की इन सब चीज़ों को फेस करके भी शायद कुछ नहीं बोला। यस और अब ये चाह रहे हैं कि हो सकता है, मुझे लग रहा है जिस तरह सरेंडर टू द डिवाइन की एनर्जी आई है ना, मुझे पहले एनर्जी दिख रही थी यहाँ पे कि लाइक हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, बट शायद आप लोगों को इस पर्सन में ट्रस्ट नहीं रहा, दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको चाहता बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, जो मेल या फीमेल वट एवर द जेंडर। वी हैव कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टेड योर रोमांटिक लाइफ, हो सकता है आपको इस पर्सन को लेकर काफ़ी को डिपेंडेंट भी रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन को उस टाइम तो पास्ट में ये चीज़ें जो हैं वो इरीटेट कर रही थी, और इन्होंने आपको छोड़ के शायद किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया, थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोगों की साइड से थी, बट राइट नाउ ये पर्सन को सेम वही फीलिंग आ रही है जो पास्ट में आपकी रही है, आप पास्ट में इनको चेज कर रहे थे, जिसकी वजह से यू नो रनर चेजर की सिचुएशन थी, ये पर्सन आपसे दूर भागता था, आप इस पर्सन की अटेंशन चाहते थे, इसे लव चाहते थे, इसे टाइम मांगते थे, बट ये देता नहीं था, और उसी वो चीज़ें इसको ट्रिगर कर रही थी, दैट्स वाई इन्होंने कहीं और अपने आप को यू नो मूव कर लिया, बट राइट नाउ दिख रहा है इस पर्सन को अब सेम एज इट इज़ वही फीलिंग आ रही है और वही एनर्जी में ये पर्सन खुद है जो पास्ट में आपकी थी, अब इनको आपकी एडिक्शन हो रही है। यस लेकिन ये ज़्यादा चेज नहीं कर रहे, क्योंकि ये शायद इसको लगता है कि आप भी ट्रिगर हो जाओगे या फिर आप लोग भी इस पर्सन से दूर भागोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीटिंग हो चुकी है एक। या लेकिन ये आपको चाहते हैं, वी हैव केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ लव रोमांस, आपकी साइड से भी चाहते हैं और ख़ुद भी आपको देना चाहते हैं ये चीज़। कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है ये पर्सन आपका कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, जिसके साथ ऑलरेडी आप मैरिड हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने शायद आपको छोड़ के किसी और के पास चले गए थे, या फिर थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनका, और जब इस ये पर्सन पकड़ा गया तो मुझे लग रहा है आपका इनसे ट्रस्ट टोटली ख़त्म हो गया, आपका
कोई बिलीव नहीं रहा इस पर्सन पे, जिसकी वजह से शायद इन्होंने तो आपको अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा है लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें ही मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यस, देन वी हैव न्यू लव। हो सकता है इनकी फैमिली वाले स्टिल आपको पसंद करते हैं इफ़ यू गाइज आर मैरिड विद दिस पर्सन, लेकिन इस पर्सन ने जो है ना बीच में कोई खच मार दिया ये इस पर्सन ने जो है ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये सारा इम्पैक्ट ख़राब हो गया इस पर्सन का आपके सामने, लेकिन स्टिल ये केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं आपके साथ क्योंकि इनकी फैमिली आपको जाती है, तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है फैमिली सपोर्ट भी आपके साथ है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर टोटली सिंगल तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी कोई ना कोई ये जो चिटिंग बीच में आ चुकी है ना उसकी वजह से अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे कि अभी जिसने चिटिंग कर ली है वो बाद में भी कर सकता है या कर सकती है, लेकिन इनको केमिस्ट्री आपकी तरफ फील हो रही है, ये चाहते हैं आपको। वी हैव न्यू लव, कुछ लोगों की तरफ से मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये न्यू लव ऑफर करना चाहते हैं आपको। यस, कि पास्ट ख़त्म करो, पास्ट भूल जाओ और चलो नई बिगनिंग करते हैं आप। बट इट्स टोटली अप टू यू आपने क्या करना है गाइस ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ग्रुप टू के लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी ग्रुप टू के लिए गाइडेंस। वी हैव प्लेजर नंबर 40। गाइज आप वो करो जो आपको चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखती है या आपको बहुत ज़्यादा खुश रखती है, आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो चीज़ आपको खुश रखती है आपने वो करना है, प्लेजर, और खुश रहो, अपने मूड को भी पॉजिटिव रखो। नंबर 40 इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 4 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मुझे दिख रहा है। देन वी हैव 24, फ्लो लाइक वाइट वाटर। आपको स्विमिंग करने की गाइस ज़रूरत है। यस, 24 आपकी या इनकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 6 इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे मोस्टली एनर्जी तो 30 प्लस की आ रही है, बट 20 प्लस 20% की एज हो सकती है। एंड वी हैव 35 मेडिटेट। मेडिटेशन करिए गाइस, यहाँ पे भी चाक्रास की एनर्जी है, अपने चाक्रास को बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है। मेडिटेट करें ताकि आप बैलेंस्ड आउट हों, आपका मेंटली जो है वो लेवल रिलैक्स हो। ठीक है, 35 आपकी है, इनकी एज हो सकती है। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। 8 6 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर आपका या इनका हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 2। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो गाइज अगर आपके पार्टनर्स के नेम का फर्स्ट लेटर ग्रुप 3 में है, आपने ग्रुप 3 चूज़ किया है, तो देखते हैं क्या फीलिंग्स हैं उनकी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। सो यहाँ पे नेम के जो फर्स्ट लेटर हैं वो है CFILORTWY। सो लेट्स सी, चैनल पे न्यू है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड मुझे इंस्टा पे गाइस जरूर फॉलो करें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं क्या है करंट एनर्जी ग्रुप 3 आपके पार्टनर्स की। वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ब्लू मून। ब्लू कलर आपका ही इनका फेवरेट हो सकता है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डेफिनेटली इस पर्सन की इस टाइम जो एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन को बिलीव है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरी थिंग इज़ पॉसिबल। ये पर्सन को लगता है कि डेफिनेटली अभी तो कोई चांस दिख नहीं रहा आपके इस कनेक्शन में कुछ ठीक होने का या चीज़ों का फिक्स होने का, बट स्टिल इनको बिलीव है कि अभी चीज़ें चाहे जैसी भी हैं या ये सब कुछ होना काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टिल लाइक ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी पॉजिटिव गाइस। इस पर्सन को स्टिल बिलीव है गाइस कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी कहीं ना कहीं होपफुल हैं कि सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी आपके और इनके दरमियान इस कनेक्शन में। लेट्स ही, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं वो राइट नाउ आपके लिए। वी हैव मिजान, ये ग्रुप 1 में भी था। 20 पर्सन का स्टार साइन सैगिटेरियस हो सकता है। एंड वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। मे बी आप दोनों के दरमियान इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन है, दैट्स वाई मुझे लग रहा है शायद इन पर्सन को अभी भी होप है कि कहीं आपने अनब्लॉक इनको कर दोगे। लाइक अभी आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को, ठीक है, आप कोई भी इनको अटेंशन नहीं दे रहे, आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हुई हैं अपने इर्द गिर्द। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग। इट्स अ कॉइंस, या इट्स अ टॉरस फिर्गो कैप्रिकॉन एंड वी हैव मजान नंबर 20। इस पर्सन का स्टार साइन लिब्रा भी हो सकता है।
27 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 20 डेट ऑफ बर्थ, 20 एज हो सकती है। इस पर्सन को आई थिंक बोलने में प्रॉब्लम है, दैट्स वाई शायद ये ज़्यादा कोशिश नहीं कर पा रहे। एंड विद द सेवन ऑफ कॉइंस दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब आपके इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि ये बिलीव अभी भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी इस पर्सन की। ऑल्सो बटरफ्लाइज की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको बटरफ्लाई सिंबल्स या तो कहीं ना कहीं दिखता है, या फिर आपका कुछ लोगों का स्पिरिट एनिमल बटरफ्लाई हो सकता है। तो हो सकता है आपको इसी तरह की यू नो येलो एंड प्लस ब्लैक कुछ इसी टाइप की, इसी कलर की सेम बटरफ्लाइज वगैरह अगर आपको दिखती हैं, तो ये सिंबल है कि डेफिनेटली ये पर्सन वेट कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। दिस पर्सन फील्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन विद यू, इनको लगता है आपका सोल से कॉन्ट्रैक्ट है, एंड किसी तरह से बस आपका दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहा है मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कोई ना कोई ट्राई कर चुका है, बट अभी शायद आप ट्राई करने की मज़ीद मुझे लग रहा है इस पर्सन में कैपेसिटी नहीं रही, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल चीज़ें हो चुकी हैं, तो बस बिलीव है कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से ठीक हो जाए, तो दैट्स ग्रेट। या ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग गाइस, किसी तरह से आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वी हैव आशिकान, इट्स अ लवर एनर्जी नंबर 6, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द यूनियन। आप या तो इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। 26 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों का प्लैनेट वीनस हो सकता है आपका या फिर इनका, बट दिस पर्सन लव्स यू सो मच गाइस, दैट्स वाई इनको बिलीव है कि आपकी मीटिंग ज़रूर होगी, आपका कनेक्शन ज़रूर होगा, ये आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वॉन अ डेट यू, या इसीलिए ये वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपसे मीटिंग हो जाए। इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिस पर्सनली वॉन अ कम क्लोज टू यू, आपके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिस पर्सनली वॉन अ फील्स यू, आपका टच ये पर्सन फील करना चाहता है। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू गाइस, ये वेट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन का किसी तरह से। या तो ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेशन देना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, फाइनली ऐसे लग रहा है ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। हो सकते हैं इन्होंने आपको पास्ट में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, दैट्स वाई ये इतना डिस्पिरेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए, ये बस हासिल करना चाहते हैं आपको। किसी ना किसी तरह से ये चाह रहे हैं आपकी मीटिंग हो जाए इस पर्सन से, क्योंकि इनको लगता है आप दोनों का एक म्यूचुअल कनेक्शन है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी में कि आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली चाहते हो, म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड हो, और म्यूचुअली सेम एक दूसरे को आप वेट कर रहे हो कि किसी तरह से वो आपका वेट कर रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट करो, आप उनका वेट कर रहे हो कि वो कॉन्टैक्ट करें, जबकि चाहते दोनों एक दूसरे से बात करना हो, दोनों एक दूसरे को कन्फेशन देना चाहते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ताकि आपको इस कनेक्शन में जीत मिले, आपको विक्ट्री मिले, आपको सक्सेस मिले इस कनेक्शन में। डेफिनेटली इट्स अ डार्कनेस, और डार्कनेस क्लाउडी एनर्जी से बाहर आ रही है एक रोशनी से स्वॉर्ड। इस टाइम मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान या तो कुछ ना कुछ ब्लरी एनर्जी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कुछ आप दोनों के दरमियान, जिसको ये यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है वो सॉल्व करने के बारे में ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब ऐसा मौका मिलेगा जब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये पर्सन दूर कर पाएंगे, और फाइनली आप लोगों का रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का, रिकॉन्सिलिएशन होगा आपका, और आप फाइनली एक दूसरे के साथ कनेक्शन में जाओगे और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे। यस, अगर इस पर्सन के पास मुझे लग रहा है शायद इनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है चॉइसेस हो सकती हैं, दैट्स वाई भी ये वेट कर रहे हैं कि अब आपसे बात कैसे होगी। और अगर इनके पास कोई चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स चॉइसेस की बात भी करते हैं, अगर इनके पास कोई चॉइस है तो ये पर्सन आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ये किसी और को चूज़ नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं आपके साथ इनकी लाइफ में बैलेंस बने, क्योंकि यहाँ पे मेज़ान की एनर्जी है। यस, दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, एंड ऐसे लग रहा है जैसे गाइस ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ मिजान एनर्जी, इट्स अ जजमेंट एनर्जी। यस, हो सकता है इनको लगता है अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे तो मे बी आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ जज करोगे बहुत ज़्यादा, या आप इनको काफ़ी कुछ जजमेंटल एनर्जी आपकी साइड से मिल सकती है कि आप क्यों आए हो मेरे पास, या आप क्यों एक्सप्रेस करना चाह रहे हो अपनी फीलिंग्स, या आप क्या आप इस पर्सन पे, हो सकता है कुछ ब्लेम गेम भी स्टार्ट हो सकती है कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है आपसे, यू नो एवं टाइम पास करने के लिए आपके पास आ गया,
समथिंग लाइक दिस, ये पर्सन फील कर रहे हैं, दैट्स वाई भी मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। कुछ लोगों को तो लगता है कि शायद आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन है या आप किसी और को डेट कर रहे हो। यस, या फिर आपके दरमियान हो सकता है यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों कि ये पर्सन किसी और को डेट करता रहा है या फिर कर रहा है, और यही चीज़ें कि मुझे लगता है ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी ही कम्युनिकेशन की है। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको क्लियर करना चाहते हैं, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है आप दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को। अदरवाइज़ ये पर्सन आपके पीछे टोटली आशिक है, इसको लगता है ये आपका आशिक है। गाइस, लैला मजनू टाइप की मुझे ना एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। यस, दिस पर्सन इज़ योर लवर, बेसिकली आपके साथ लव स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आशिक बनाया गाना याद आ रहा है मुझे सुन लेना आप, ठीक है ना, वो गाना मुझे याद आ रहा है, ये आपको सुनाना भी चाहता है। इट्स अ बाउंसरी, यू नो, आपको इम्प्रेस करना चाहता है ये पर्सन, कोई ना कोई आपके लिए सॉन्ग भी यू नो सिंग करके। लेट्स सी मोर, इट्स अ बाय द वे इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी। सो इट्स अ जेमिनाई, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड वी हैव मिजान लिब्रा एंड मुझे सेगिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। नंबर वन इंपॉर्टेंट हो सकता है 7, 20 एंड 6। इस पर्सन की एज 21, डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, 27 एंड 26। यस, अदरवाइज 6, 2, 7, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो लेट्स सी, वी हैव रिकॉन्सिलेशन, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू रिकॉन्साइल विद यू। ये पर्सन आपके पास से है और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग रिकॉन्सिलेशन का ही वेट कर रहे हैं, बट स्टिल ये पर्सन को इम्पॉसिबल पे बिलीव है कि सब कुछ चीज़ें होंगी। कीप एन ओपन माइंड, ये पर्सन हो सकता है आपका डिफरेंसेस भी हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन आपको अपना माइंड जो है वो ओपन रखना है, क्योंकि हो सकता है आप जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पे एज इट इज़ पूरा उतरे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, तो आपको अपना माइंड ओपन रखना है। हो सकता है आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन उसे डिफरेंट एक्सपेक्ट कर रहा हो। वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव हैं आप लोगों के साथ लव लाइफ स्टार्ट करने को और आपके साथ रोमांस डेफिनेटली क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में लव रोमांस आप ही लेकर आ सकते हो। वी हैव एक्सप्रेस योर लव, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, डेफिनेटली मुझे लगता है कोई ना कोई आपको लव जेस्चर शो करना चाहते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना अपनी फीलिंग्स को, दैट्स वाई। या एंड वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं, लेकिन मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे ना आपकी सोलमेट की आ रही है, जैसे पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन ये रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं आपसे, मीटिंग चाहते हैं, एंड इट्स अ म्यूचुअल लव, आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इक्वली लव करते हो, बट कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से ये चीज़ें जो है ना वेटिंग चल रही हैं। लेट्स सी मोर, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन, इनको लगता है कि आप दोनों का एक कर्मा जुड़ा हुआ है, हो सकता है पास्ट में आपने कर्मा अपना कोई जुड़ा था वो क्लियर किया है, और अभी ये पर्सन दैट्स वाई एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन की। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक सोलमेट, आपका कर्मा जुड़ा हुआ था आपने वो क्लियर किया, बट अभी आपकी मीटिंग होनी है एज अ सोलमेट, बट ये आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वी हैव अलोन टाइम, आपको अकेले रहने की ज़रूरत है गाइस, अकेले रहिए, अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अकेले खुद के साथ स्पेंड करें और इन्जॉय करें। यस, एंड वी हैव अरोमा थेरापी, अरोमा थेरापी गाइस आपको करने की ज़रूरत है। या तो आप लोग अपने रूम में किसी तरह का कोई कैंडल रख सकते हो, कोई यू नो सेंटेड कैंडल, अदरवाइज कोई आप ऐसा लाइक फ्रेश आप कोई प्लांट रख सकते हो, फ्रेश फ्लावर रख सकते हो अपने रूम में, फ्रेश रखने हैं, ठीक है, ताकि उसका अरोमा जो है ना नेचुरल उसका अरोमा आप स्मेल करो, तो आपको ये काफ़ी हील करेगा और काफ़ी रिलैक्स करेगा। आप कुछ भी मतलब किसी भी तरह का प्लांट या फिर आप फ्लावर रख सकते हो, किसी तरह की कोई सेंट रख सकते हो जो आपको अच्छी लगे। यस, नंबर 2 एंड 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप 3, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।